सो हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं नया और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आ गया जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। आज हम इस वीडियो में ओप्पो रीनो 6 मोबाइल की फुल रिव्यू करेंगे और इसके फीचर्स, फैसिलिटी और स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मोबाइल के बारे में मैं आपको बता दूँ कि ये मोबाइल बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों को ये मोबाइल लेना है तो वीडियो को फुल वॉच कर लो, पूरी जानकारी हो जाएगी इस मोबाइल के बारे में। तो सबसे पहले हम इस मोबाइल के रैम से स्टार्ट करते हैं। तो रैम आपको इस मोबाइल में 8 GB का देखने को मिल जाएगा और इंटरनल स्टोरेज आपको 128 GB का देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छा खासा है, बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप लोग गेम खेलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, स्लो चार्ज का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, हैंग नहीं होगा, लैग का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। कितना बार होता है कि मोबाइल गर्म हो जाता है, पर इस मोबाइल ऐसा नहीं होने वाला है, गर्म का कोई चांसेस नहीं है, जो कि बहुत अच्छा मोबाइल है। बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, बैक का डिज़ाइन भी अच्छा खासा है। ओप्पो का ब्रांड है जो कि ओप्पो रीनो 6। और अब हम कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं। बैक कैमरा, तो बैक कैमरा आपको 3 देखने को मिल जाएगा, जो कि मेन कैमरा होगा जो कि 64 MP का, 8 MP, 2 MP का, यानी कि बहुत ही अच्छा खासा आपको इस मोबाइल में कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप लोग को अगर फ़ोटो खींचना अगर अच्छा लगता है, पसंद है, तो आप लोग ये मोबाइल ले सकते हो, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा खासा कैमरा क्लिक करता है, जो कि फ़ोटो क्लिक होता है, जो कि 64 MP का मेन कैमरा होगा, 8 MP, 2 MP का, यानी कि 3 कैमरा आपको बैक में देखने को मिल जाएगा। HDR प्रोसेस होगा और LED फ्लैश लाइट भी होगा, जो कि अच्छा खासा है। HDR में भी इसका बहुत अच्छा फ़ोटो क्लिक करके देता है। इसका नाइट मोड भी बहुत अच्छा है, रात के समय में भी अगर आप लोग फ़ोटो खींचोगे तो बहुत ही क्लियर एंड शार्प इमेज क्लिक करके देता है, जो कि बहुत अच्छा है। अब हम फ्रंट कैमरा की बात कर लेते हैं, यानी कि सेल्फ़ी कैमरा। तो सेल्फ़ी कैमरा इस मोबाइल में आपको 32 MP का देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा है और बहुत अच्छा है। इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा से आप लोग फ़ोटो क्लिक कर सकते हो इस मोबाइल से, जो कि बहुत अच्छा। 4K आप लोग वीडियो भी शूट कर सकते हो, जो कि अच्छा ये फीचर्स लगा मुझे। साथ ही साथ अब हम इस मोबाइल की बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं कि इस मोबाइल का बैटरी कैसा है। बैटरी कैपेसिटी तो 4300 mAh का आपको बैटरी देखने को मिल जाएगा इस मोबाइल में, जो कि लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है, नॉन रिमूवेबल है, जो कि बहुत अच्छा बैटरी है, जो कि बैटरी का मामले में भी ये बहुत अच्छा। अब हम फास्ट चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं, तो बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी फास्ट चार्ज कर देता है, जो कि 65 W से फास्ट चार्ज करता है, 65, जो कि बहुत ही जल्दी फास्ट चार्ज कर देता है। सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25-30 मिनट्स में फुल चार्ज कर देगा, जो कि बहुत ही फास्ट है। टाइप सी आप लोग को इस मोबाइल में देखने को मिल जाएगा, जो कि चार्जर टाइप होगा वो टाइप सी होगा। अब हम इस मोबाइल की 4G है कि 5G इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये मोबाइल आपको 5G देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा है, जो कि 5G नेटवर्क होगा, फुल इंटरनेट, जो कि बहुत स्पीड नेटवर्क आप लोग को मिलेगा। 2 SIM 1 SD कार्ड आप इसके अंदर में घुसा सकते हो, वॉल्टी भी सपोर्ट करेगा, जो कि बहुत अच्छा। अब हम इस मोबाइल की प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोसेसर भी इस मोबाइल में आपको बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, जो कि MediaTek का प्रोसेसर होगा, जो कि MediaTek Dimensity 900, जो कि बहुत अच्छा प्रोसेसर है, गेमिंग के लिए भी बहुत अच्छा है और ऐसे भी नॉर्मल यूज़ के लिए भी बहुत अच्छा है, जो कि ये गेमिंग फ़ोन है। अगर आप लोग नॉर्मल यूज़ के लिए भी लेना चाहो तो ले सकते हो, जो कि बहुत अच्छा है। डिस्प्ले साइज़ के बारे में बात कर ले कि इसका कितना होगा डिस्प्ले साइज़, तो 6.43 इंचेस का आपको डिस्प्ले साइज़ देखने को मिल जाएगा, जो कि फुल HD+ डिस्प्ले होगा AMOLED स्क्रीन के साथ, जो कि 90Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, जो कि 90Hz का रिफ्रेश रेट होगा, जो कि बहुत ही फास्ट है। अगर आप लोग कुछ भी स्क्रॉल करोगे तो बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलेगा और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, स्लो टच का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है इस मोबाइल में, जो कि बहुत ही फास्ट है, गेमिंग के समय में भी बहुत ही अच्छा से वर्क करता है। अब हम स्क्रीन प्रोटेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्क्रीन प्रोटेक्शन आपको गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके मोबाइल को फुल प्रोटेक्ट करेगा, जो कि बहुत अच्छा है। फिंगरप्रिंट के बारे में बात कर ले कि इस मोबाइल में फिंगरप्रिंट आप लोग को देखने को मिलेगा कि नहीं, तो फिंगरप्रिंट भी आप लोग को इस मोबाइल में देखने को मिल जाएगा, जो कि अंडर डिस्प्ले होगा, जो कि बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स करता है, जो कि बहुत फास्ट है। जस्ट आपने ऐसा क्लिक किया और अनलॉक हो गया, जो कि बहुत फास्ट है। एंड्रॉयड वर्जन के बारे में बात कर लेते, तो 11 वर्जन का आपको इस मोबाइल में देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छा खासा एंड्रॉयड है। अब हम इस मोबाइल की स्पीकर के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्पीकर आपको ड्यूल देखने को मिलेगा, जो कि 2 स्पीकर होगा, ऊपर और नीचे दोनों साइड से ही साउंड आएगी,
जो कि बहुत ही लाउड स्पीकर है, जो कि स्पीकर के मामले में बहुत अच्छा है। अब इस मोबाइल के वेट के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कितना भारी है या कितना हल्का है। तो 182 ग्राम का है, यानी कि मोबाइल बहुत ही हल्का है। थिकनेस की बात करें तो 7.5, यानी कि पतला मोबाइल है, बहुत पतला है। स्लिम भी बहुत अच्छा है, डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। हाइट की बात करें, यह मोबाइल का कितना हाइट होगा तो 156.8 mm का है, जो कि अच्छा खासा हाइट है। विड्थ की बात करें, यानी कि चौड़ाई, तो 72.1 mm का है, यानी कि मोबाइल पतला है, लंबा है, अच्छा खासा साइज है, आपके हाथ में भी आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ इसका डिज़ाइन लुक भी बहुत अच्छा है। अब इस मोबाइल की कलर के बारे में बात कर लेते हैं, तो इस मोबाइल में आपको 3 कलर देखने को मिल जाएगा, जो कि सनी सी कलर में, नाइट सी कलर में और ड्रीम कलर में। यानी कि तीनों ही कलर बहुत अच्छा है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो, जो कि तीनों ही कलर बहुत अच्छा है। अब हम इस मोबाइल की प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, तो प्राइस आपको 30 से 31,000 तक देखने को मिल जाएगा। आने वाले दिन में थोड़ा कम में भी देखने को मिल सकता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये ठीक ठाक है, पर ज़्यादा प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है, अगर और कम होता तो और अच्छा होता। पर 8GB रैम है, 128GB इंटरनल स्टोरेज है, कैमरा भी अच्छा खासा है, बैटरी भी ठीक ठाक है, बहुत जल्दी फास्ट चार्ज करता है, प्रोसेसर इसका बहुत अच्छा है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइस भी ठीक ही ठाक है। तो आपको अब हम बता देते हैं कि अगर आप लोग खरीदोगे तो बॉक्स के अंदर में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो बॉक्स में तो सबसे पहले कि आपको मोबाइल दे दिया जाएगा, एक ट्रांसपेरेंट कवर दे दिया जाएगा, साथ ही साथ एक चार्जर जो कि बहुत ही जल्दी फास्ट चार्ज करता है, और एक डाटा केबल दे दिया जाएगा जो कि USB टाइप सी होगा। साथ ही साथ एक 1 ईयर का वारंटी कार्ड दे दिया जाएगा और एक पिन दे दिया जाएगा, जिसकी वजह से आप अपना सिम को निकाल या तो घुसा सकते हो। तो ये सब आपको बॉक्स के अंदर में देखने को मिलेगा, और यही सब है इस मोबाइल का फीचर्स, फैसिलिटी और फुल रिव्यू। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जल्द से लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लेकर के आते रहते हैं। और अगर आप लोग को ये मोबाइल खरीदना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया, आप लोग चाहो तो उधर से भी ले सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द लेके आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।